नंबर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, जेरवन के ऊपर ये जो दिया है ना लकीर, ऐसे इसको कंजुगेट पढ़ा जाता है। कंजुगेट निकालेंगे कैसे, यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जेडवन का कंजुगेट निकालना, तो जेडवन का कंजुगेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जेडवन का जो वैल्यू है पहले उसको लिख लीजिए, 2 - i का कंजुगेट निकालना है। करना क्या होता है कि इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, यहाँ माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना, यही इसका कंजुगेट हो जाएगा। उसी तरह जैसे मान लो जेड टू का आपको निकालना है इसमें, तो -2 + i का कंजुगेट निकालना है, तो -2 - i हो जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना होता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे, अगले साइज में इसको पढ़ना है कंजुगेट के बारे में, तो वहां देख लिया जाएगा, बस यहाँ से समझ लिए कि होता क्या है, ठीक है। चलिए पहला नंबर इसमें देखिए, आपको निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 / z1 का कंजुगेट। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, z1 z2 / z1 का कंजुगेट। तो z1 का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 - i, अच्छा z2 का है -2 + i, और बटा में है z1 का कंजुगेट। तो z1 है जो वो लिख दीजिए 2 - i का कंजुगेट। चलिए ऊपर इंटू करिए, तो -4 + 2i + 2i - i² और नीचे हो जाएगा 2 + i, ठीक है। देखिए -4 + 4i और देखिए इसका -1 वैल्यू होगा ना, एक तो ये माइनस और एक i² का वैल्यू -1, चलिए बटा में 2 + i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 -3 हो जाएगा क्या, -3 + 4i और बटा में 2 + i। जब ऐसे रहता है तो परिमेयकरण करेंगे ना, 2 - i और नीचे भी 2 - i है ना। अब इंटू कर दीजिए, इंटू करिएगा इसमें से -6 - +3i, इसमें 4 × 2 कितना हो जाएगा 8i और -4i² बटा में देखिए प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a² - b² चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। -6 है ना, +8 × 3 = 11i है ना, और यहाँ देखिए इसका माइनस वन रखिएगा तो -4 नहीं हो जाएगा, चलिए 2² = 4, यहाँ भी इसका माइनस वन रखिएगा तो -+ नहीं हो जाएगा, +1, ठीक है। चलिए अगले में स्टेप में यहाँ देख रहे हैं, ऊपर देखिए तो -2 + 11i और बटा में है 5, अलग अलग कर दिए -2/5 + 11/5i, तो ये किसका वैल्यू निकल रहा है, z1 z2 / z1 का कंजुगेट का वैल्यू आया है। तो इसमें रियल पार्ट ही ना आपको दिखाना था, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, देखिए तो z1 z2 / z1 का कंजुगेट का रियल पार्ट क्या है, -2/5 है, समझ गए। इसका सेकंड देखते हैं आप, चलिए इसके